बट भैया तीन तीन का है। अब मैं बताता हूँ असलियत क्या है, ये रखने दो। पता चला मुझे चाकू मार देगा। लेट आने के लिए मैं मार देता था, बट आज नहीं मारूंगा। अभी आई लव गोल्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अनबॉक्सिंग करने वाले एक सामान का जो बैंगलोर से आया है AOM का। अब वो बॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको, और साथ में दानिश आया हुआ है। तो आज हम लोग कुछ इंस्टॉल करेंगे किसी चीज़ का, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो आगे का वीडियो अभी आप देख सकते हैं। ये रहा दानिश, फाइनली आ गया है, आज टाइम पे भी है, लेट नहीं आया है। तो ये रहा वो बॉक्स जिसको हमको अभी अनबॉक्स करना है। तो अभी करते हैं इसको अनबॉक्स और फिर देखते हैं आगे का। आइला रॉयल एनफील्ड। अरे भाई किसका सामान लिया तूने? बॉक्स में मत जाओ, अंदर कुछ तूफानी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत पहले से तैयार था बट कभी किया नहीं था। भैया इसमें क्या है? इज दिस द मेन सरप्राइज? यस। भैया से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल मत करो, चाकू का इस्तेमाल करो। ये है फाइनली, पसीने छूट गए भाई के। बट मेरे को लगता है ये वाला है वो, ये पुराना वाला लग रहा है। क्या बोलता है, कौन सा है? नया जो आइटम है वो ये है ना? आई डोंट नो बिकॉज दिस वन इज बिगर। अभी हिंट तो दे दिया मैंने, आप समझ लो क्या हो सकता है। ये बातें तो बाद में याद आएंगी। फाड़ दे तो ऐसी फाड़ दे सब। ये पीछे का है, ये तो 17 है। दिस इज द रियर ब्रो। बट भैया तीन तीन का है। अब मैं बताता हूँ असलियत क्या है, ये रखने दो। पता चला मुझे चाकू मार देगा। लेट आने के लिए मैं मार देता था बट आज नहीं मारूंगा अभी। पिछली बार मैंने मेरा स्पोक व्हील्स भेजा था AOM में रिपेयर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई रिपेयर नहीं कर पा रहा था एंड मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने जोए भाई से बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि आप भेज दीजिए और हम उसको रिपेयर करके भेज देंगे। तो मैंने भेजा था, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती आया था और मैंने सोचा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। तो मैंने क्या किया कि फ्रंट वाले को 21 इंच कर दिया, रेयर को 17 इंच ही रखा है, बट इस बार उन्होंने चेंज किया है रिम को, वो है बबल रिम्स। मैं आपको खोल के बाद में बताता हूँ, अभी के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये अनरैपिंग करते हैं, वो हेल्प करेगा अभी मुझे दानिश। सो ये है पीछे वाला रिम 17 इंच का। अब अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि ये इसमें क्या चेंजेस किए हुए।
सुनिए रे, वो 21 इंच के टायर, सॉरी टायर नहीं है, ये तो रिम है, टायर कोई और लेके आया मेरे लिए, तो चार बैरिंग दिया है। सो ये बैरिंग है क्योंकि ये मेरा न्यू सेटअप है, इसके लिए वो हम बाद में देखेंगे इंस्टॉल करते समय। NBC चलो सही है, और 17 इंच का कलर को जैसा है, 15 करते हैं इसको और फटाफट जाते हैं बाइक टायर वाले के पास, टायर इंस्टॉल करते हैं। ये वो टायर है जो दानिश मेरे लिए लेके आया है, स्पॉन्सर्ड बाय दानिश, थैंक यू दानिश, तूने स्पॉन्सर किया टायर के लिए, मैंने डिलीवरी की है। नहीं नहीं, स्पॉन्सर्ड बाय दानिश, पैसा भेजो, पैसा पैसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी हो गया, जमा हो गया। तू कर देता हमेशा, तू तो गया था ना, आ गया मैं, आ गया ऑफिस पहले ही आ जाता बेचारा, जनरल को मेरे को नहीं बुलाना पड़ता, मेरे को भागना पड़ा ना, मेरे को चेंबूर जाना पड़ा ना फुकट, वही टाइम में आ गया ना फिर तो। बट भाई मैं सामान लेके आया ना, थोड़ा मैं आ जाता, मैं इधर पहुंचा, मेरे को लगा तू आ गया, मैं इधर आया देखा तेरा बाइक ऑलरेडी पहुंच गया था, जरा लेके आ गया था। और आदेश भाई 6202 लगे ना, अरे हाय सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, और क्या बोलते हो, ये दोनों लगे सिरामिक है ना, ज्यादा वाले क्या सिरामिक, तो यहाँ पे काम चालू है, ये मेरे एलॉयज है और ये रहा मेरा स्पोक व्हील्स, अभी फिट करके आपको बाद में दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। सेक्शन है बट फिर भी ये स्पोक्स पे लगने के बाद थोड़े पतले लग रहे हैं। ये सेम टायर यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे थोड़े एलॉयज की वजह से ब्रॉड लग रहे हैं बट स्पोक व्हील की वजह से ये थोड़ा कम लग रहा है। अब देखते हैं चला के कि कैसे लगने वाला है, कॉर्नरिंग में कैसा है, क्या है, ऑफ रोडिंग में कैसा फील होता है। अब ये रहा पीछे का, आगे का उधर है, वो आगे का फिट करते हैं और फिर देखते हैं। सर ये फिटिंग हो रहा है ऑलमोस्ट, लगने के बाद दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। सभी टायर्स इंस्टॉल करके हो गया है एंड अभी मैं आपको सिर्फ एक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। सो ये रहा पीछे का टायर, 140/70/17/90/90/21, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा हाइट बढ़ गया है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया उसके जैसे। अब नाउ आई विल एंड दिस वीडियो, वो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी दैट silentbiker_kv। चलो बाय बाय।